क्या आपको भी मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन अनहेल्दी सोचकर छोड़ देते हो? हेलो फ्रेंड्स, द कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नो शुगर नो ऑयल एकदम हेल्दी लड्डू की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे दो तरह के लड्डू की रेसिपी। सबसे पहली रेसिपी बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे काजू। उनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे काजू को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम उनको ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और हल्का सा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने काजू को पीस लिया है। अब हम इनको एक बाउल में निकाल देंगे और चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम यहाँ पे लेंगे 70 ग्राम डेट्स। जैसा कि हम सबको पता है, डेट्स में नेचुरल स्वीटनेस होती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। हम यहाँ पे सभी डेट्स में से सीड को अलग कर देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे एप्रिकॉट्स, जिनका अगेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एप्रिकॉट्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में काट लेंगे। इसमें हमने काजू को ब्लेंड किया था। अब हम वही ब्लेंडिंग जार में एप्रिकॉट्स और डेट्स को ऐड कर देंगे और उनको यहाँ पे पीस लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे एक बाउल और जो भी हमने एप्रिकॉट्स एंड डेट्स को पीसा है उनको हम इस बाउल में निकाल देंगे। स्टार्टिंग में हमने जो कैश्यू नट्स को रोस्ट करके ब्लेंड किया था उनको अब हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसके एक पार्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे और दूसरे पार्ट को रेसिपी के आगे यूज़ करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कोई भी शुगर कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पे सभी मटेरियल को डो की तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इससे छोटा छोटा पार्ट लेकर लड्डू की शेप में उसको कन्वर्ट कर देंगे और इसके ऊपर कैश्यू नट्स की लेयर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बिल्कुल नेचुरल स्वीटनेस से जो लड्डू हैं रेडी किए हैं। और हमने यहाँ पे इन लड्डुओं को रेडी करने के लिए कोई भी घी मिल्क कुछ भी यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पे सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे बादाम, मीन्स के आलमंड्स। उनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम के रोस्ट होने के बाद अब हम उनको एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। बादाम हमने अच्छे से पीस कर रेडी कर लिए हैं। अब हम उनको एक बाउल में निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे डेट्स, जिनकी सीड को मैंने पहले से ही यहाँ पे निकाल दिया है। अब मैंने इन डेट्स को एक ब्लेंडिंग जार में ऐड कर लिया है और उनको अब हम अच्छे से पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी यहाँ तक रेसिपी कैसी लगी। अब हम यहाँ पे एक बाउल में डेट्स को ऐड कर देंगे और जो हमने पहले बादाम पीसे थे उनको भी अब हम इसके साथ ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ली है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। अब हम इसमें एक टेबलस्पून हनी ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। पहले की तरह अब हम यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट लेकर उनको लड्डू की शेप में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे नारियल को पहले ही ग्रेट करके रख लिया था। अब हम इन लड्डू के ऊपर नारियल की लेयर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सभी लड्डुओं को ऐसे रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे लड्डू कितने नेचुरल वे से हमने रेडी किए हैं, जिनमें कोई भी शुगर कोई भी ऑयल हमने यूज़ नहीं किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं लेकिन आप अनहेल्दी सोचकर उनको छोड़ देते हो, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।